नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई का एक पेपर जो पिछले मंथ सॉरी अक्टूबर महीने में हुआ था, और पिछले मंथ इसकी रिस्पांस की आई थी। तो इसमें टेक्निकल पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसके पहले भी एक पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ। और अभी ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये 29/10/2020 का पेपर है, और ये 3 से 5 की शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। तो इसके टेक्निकल पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर फाइंड द करंट I1 एंड द वोल्टेज V2 इन द गिविन नेटवर्क। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे I1 पूछा है, और यहाँ पर जो वोल्टेज आपको दिया है V2, उसके बारे में आपसे पूछा है। तो I1 आप यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? इस पॉइंट पर आप KCL इक्वेशन लगा दीजिए। यहाँ पर ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग करंट है, और ये इनकमिंग करंट है। तो दोनों इनकमिंग करंट यानी I1 प्लस दूसरा जो करंट है आपका, दूसरा करंट जो है वो है 2 एम्पियर इक्वल टू 3.5 एम्पियर। यहाँ से I1 आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1.5। आपका I1 करंट यहाँ से निकल आया। अब आपसे V2 करंट पूछा है यहाँ पर, तो V2 के लिए इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा, ये दो वोल्टेज यहाँ पर लगे हुए हैं 14 और 32, इनकी पोलैरिटीज को हम देख लें तो ये प्लस, ये यहाँ पर माइनस, यहाँ ये प्लस, यानी ये समेशन या एडिशन की उसमें पोलैरिटीज में है। और यदि ये इस तरीके से होता कि यहाँ पर प्लस माइनस और दूसरे वोल्टेज सोर्स भी इस टाइप से पोलैरिटीज होती उसकी, तो यहाँ पर इनका इसमें भी समेशन है। और यहाँ यदि इस तरीके से होता माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये सब्सट्रैक्ट पोलैरिटी है। तो इस केस में ये इनका आप इनको सब्सट्रैक्ट कर दें, यहाँ पर हमारा एडिशन होगा, तो 14 + 32 ये आपका आंसर आ जाएगा 46। I1 भी कैलकुलेट कर लिया और V2 भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिवन है आपको, जिसमें कि वोल्टेज दिया हुआ है 400 और 1000 टर्न दिए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। आपसे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू सप्लाई ऑफ 1 फेज 50 हर्ट्ज 500 वोल्ट से इसने सप्लाई प्राइमरी को कनेक्ट किया है। डिटरमाइन द वोल्टेज इन द सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड के लिए N1/N2 और V1/V2 यहाँ पर लगा देंगे। एरिया आपको दिया हुआ है, लेकिन उसकी कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द न्यूटन एज इट्स यूनिट। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है दोस्तों? फोर्स की न्यूटन होती है, टॉर्क की न्यूटन मीटर होती है, एनर्जी जूल में होती है, और पावर वाट में होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर इज ऑपरेटेड विद एसी सोर्स। द टॉर्क ऑफ द मोटर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट करंट। आपसे यूनिवर्सल मोटर के बारे में यहाँ से पूछा गया है कि आपकी यदि यूनिवर्सल मोटर है, तो उसमें जब आपकी एसी करंट में आप देखते हैं कि ये पॉजिटिव साइकिल में भी जाती है और नेगेटिव में भी जाती है, तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपका टॉर्क किस तरीके से चेंज हो रहा है? क्या वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जैसे पहले लग रहा था, या अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मोटर के ऊपर? तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यूनिवर्सल मोटर के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि यूनिवर्सल मोटर हमारी जो होती है, वो एक तरीके से डीसी सीरीज मोटर ही होती है, लेकिन उसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ऐसा चेंज किया जाता है कि वो एसी पर भी काम उतने ही सूटेबल तरीके से कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं कि डीसी सीरीज मोटर में आप देखते हैं कि यहाँ पर इसकी जो वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, वो सीरीज में ही कनेक्टेड होती है, और ये मोटर के साथ ये इस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है। यहाँ आपने सप्लाई दी हुई है उसको, और सप्लाई देने के बाद आप देखते हैं कि जो डायरेक्शन इसके सीरीज करंट की होगी, वही डायरेक्शन इसके फ्लक्स की भी होती है। तो यदि हम इसके लिए एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें कि यहाँ मान लीजिए ये आपको वेवफॉर्म दी हुई है, ये आपकी करंट की है, और एक और जो वेवफॉर्म आपको यहाँ पर दी हुई है वो इसके फ्लक्स की है। तो ये यहाँ पर करंट है,
और यहां पर आपका फ्लक्स है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका करंट भी नेगेटिव है और आपका फ्लक्स भी नेगेटिव है क्योंकि ये सीरीज मोटर है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई, आपका करंट भी नेगेटिव है और फ्लक्स भी नेगेटिव है, तो आपका टॉर्क उसी डायरेक्शन में ही पॉजिटिव रहेगा। यानी ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द टॉर्क विल बी सेम, जैसा कि पहले लग रहा था टॉर्क, उसी डायरेक्शन में ही टॉर्क अभी भी लगेगा। अब आप इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली के अलावा आप इसको प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो मोटर होती है ये आपका आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के बाद यहाँ से आपकी NS जो आपकी फील्ड की मैग्नेट है और ये आपकी फील्ड यहाँ पर है, फील्ड है। यहाँ आपकी आर्मेचर के अंदर कुछ कंडक्टर रखे हुए हैं और इन कंडक्टर में मान लीजिए अभी करंट की डायरेक्शन, चूंकि हम ये मोटर का केस लेके चल रहे हैं तो इसमें हमने करंट भी दिया हुआ है, मान लीजिए करंट इसके अंदर की तरफ है, इसमें जो कंडक्टर है उसमें करंट अंदर की तरफ है और ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ से आप लेफ्ट हैंड रूल यदि इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये नीचे की तरफ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो ये आपका मोशन की डायरेक्शन है। आपको लेफ्ट हैंड रूल मालूम होगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो तीनों फिंगर रहती हैं वो आपकी इंडिकेट करती हैं, ये आपका मोशन को इंडिकेट करता है, ये फील्ड को इंडिकेट करता है और ये जो थर्ड फिंगर होती है मिडिल फिंगर वो आपकी करंट को इंडिकेट करती है। तो यहाँ आप देखेंगे आपको दो क्वांटिटीज गिवन है, करंट दिया हुआ है और फील्ड दी हुई है, इसमें आप दोनों फिंगर को लगाएंगे तो आपको मोशन नीचे की तरफ दिखाई पड़ेगा। अब सेकेंड केस लेके चलते हैं कि अब सेकेंड केस में क्या होगा कि यहाँ पर आपने करंट की सप्लाई यदि मान लीजिए आपकी जो वेवफॉर्म है वो नेगेटिव वेवफॉर्म है, यानी आप इसमें करंट बाहर की तरफ आ रही है एक तरीके से आप लेके चलेंगे, और आपकी अब क्या होगा कि दोस्तों यहाँ जो सेकंड केस है हमारा, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कंडक्टर में से करंट बाहर की ओर आ रहा है और आपकी फील्ड की डायरेक्शन यहाँ चेंज हो जाएगी। चेंज क्यों हुई, क्योंकि आपकी करंट चेंज हो गई है, यहाँ पर आपका फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स होगा तो आपकी फील्ड चेंज होगी क्योंकि ये सीरीज मोटर है। अब इस केस में आप लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तब भी आपको, चूंकि आपकी करंट की डायरेक्शन, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इसमें जो आपकी फील्ड की डायरेक्शन वो चेंज हो गई है, तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड रूल जब अप्लाई करेंगे तब भी मोशन आपको इसी डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगा। यानी दोनों केस में चाहे आपकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो तो उसके कारण आपकी फील्ड भी चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर टॉर्क उसी डायरेक्शन में रहेगा जो पहले था। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो टॉर्क ऑफ द मोटर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट करंट फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ द टॉर्क कॉज्ड बाय द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट करेंट, तो उसी के जैसे ही वो यहाँ पर काम करेगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन इसमें कई बार मैंने देखा है कि यदि सेम यूनिवर्सल मोटर को आप डीसी और एसी एक ही वोल्टेज, मान लीजिए 220 वोल्टेज आपने एसी अप्लाई किया है और 220 वोल्टेज ही यदि एसी अप्लाई करें तो उस मोटर में स्पीड किस केस में ज़्यादा होगी, तो स्पीड सॉरी एक हमारा जो वेवफॉर्म होती है इनमें रिलेशन के लिए वो टॉर्क और स्पीड के लिए, ये आपकी जो वेवफॉर्म मैं ऊपर बना रहा हूँ ये डीसी के लिए रहती है और एसी के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल मोटर की करेक्टरिस्टिक भी डीसी सीरीज मोटर की जैसी होती है और डीसी सीरीज मोटर की करेक्टरिस्टिक आप देखते होंगे कि इसी टाइप से होती है, तो ये आप डीसी के केस में ऊपर वाली वेवफॉर्म देख रहे होंगे और जो नीचे की वेवफॉर्म है ये एसी के लिए है हमारी, तो एसी के लिए आप देख रहे होंगे कि सेम वोल्टेज यदि आपने यूनिवर्सल मोटर के अक्रॉस अप्लाई किया तो पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए एसी जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस केस में स्पीड कम होती है, जबकि डीसी के केस में स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार इसमें यूनिवर्सल मोटर में पूछा जाता है और इसमें एसी के केस में थोड़ी सी इफिशियंसी इसमें डाउन हो जाती है। इफिशियंसी क्यों डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ हिस्टेरेसिस लॉस आ जाते हैं और एडी करंट लॉस भी आ जाते हैं, तो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस के कारण इसमें। अब इसका दोस्तों एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसके यूजेस के बारे में हमसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल मोटर किस में यूज़ करते हैं, तो ये ड्रिल मशीन जो होती है आपके घरों में छेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, तो उसमें इस्तेमाल होती है, हेयर ड्रायर में इस्तेमाल होती है और जो अगला उपयोग है इसका वो ग्राइंडर में भी उपयोग होती है, टेबल फैन में भी उपयोग होता है इसका और ब्लोवर ठंडा करने के लिए भी जो हमारे मोटर होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। ब्लोवर दोस्तों क्या होते हैं, इनमें एक
एम्पेरियल रहता है, एक हाउसिंग रहती है और एक मोटर रहती है। तो जो मोटर होती है वो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है। यूनिवर्सल मोटर और इसके किनारे पर ये एक तरीके से इम्पेलर लगा होता है, इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो ये रोटेट होता है जब, तो ये हवा को ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ लेता है जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे कुछ हमारे उपयोग जो नॉर्मली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ 8 पोल्स रन फ्रॉम 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड। तो इसके लिए आप NS इक्वल टू 120 F/P फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, सभी क्वांटिटीज गिवन है, आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाट आवर मीटर इज यूज्ड ओनली इन AC सर्किट। तो AC सर्किट में अकेला जो इस्तेमाल होता है वो होता है इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप को हम AC में ही उपयोग करते हैं। यही यदि क्वेश्चन ये होता कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो केवल DC में ही वर्क करता है, तो DC अकेले में जो वर्क करता है वो होता है दोस्तों डायनामोमीटर टाइप। डायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो केवल DC में ही उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ऐसा इसमें कौन सा फॉर्म है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम ए बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय ह्यूमन आई। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो लाइट होगा। अगला क्वेश्चन है, इज द एंगल जनरेटेड बाय ए सरफेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ स्पेस एंड पेरिफेरी ऑफ द एरिया। तो ये आपने कई बार देखा भी होगा, सॉलिड एंगल हम ज्यादातर किसमें उपयोग करते हैं, इल्यूमिनेशन में उपयोग करते हैं। और जब आप किसी पॉइंट से पर्टिकुलर किसी एरिया को आप देखते हैं, इसमें वॉल्यूम भी इंक्लूड रहता है, जैसे कि कोई स्पेयर है यहाँ पर और यहाँ से आप ये उसको देख रहे हैं, तो इसमें जो एंगल कैलकुलेट करते हैं हम वो स्टेरेडियन की हेल्प से ही करते हैं। और स्पेयर के लिए स्टेरेडियन एंगल जो होता है इसका वो सॉरी सॉलिड एंगल जो होता है, स्टेरेडियन तो इसकी यूनिट होती है और सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है 4 पाई होता है। अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें, लेट R1 बी द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इन DC 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थिंग ट्रांसमिशन सिस्टम, व्हाट इज द कॉपर लॉस इन द सिस्टम ऑफ टू ट्रांसमिट द पावर P। कोई आपको DC ट्रांसमिशन सिस्टम दिया हुआ है जो कि मिड पॉइंट अर्थेड है और इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस सबसे पहले तो हम इसके ट्रांसमिशन सिस्टम को देख लेते हैं। एक तो AC ट्रांसमिशन सिस्टम उपयोग करते हैं। ट्रांसमिशन में ज्यादातर हम लोग 3 फेज 3 वायर AC का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन DC के केस में यदि हम बात करें, इसमें भी बहुत सारे और भी सिस्टम हो उसमें उपयोग करते हैं। DC के केस में जो नॉर्मली हम उपयोग करते हैं वो है आपका DC 2 वायर सिस्टम, ये पहला होता है। दूसरा जो है, दूसरा हमारा ही केस होता है DC 2 वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थेड। और जो तीसरा हमारा इसमें जो टाइप्स होता है वो होता है DC 3 वायर सिस्टम। हमारे जो केस की हम बात कर लेते हैं, DC 2 वायर अर्थिंग में मिड पॉइंट इसका अर्थेड है। तो यहां आप इसके डायग्राम को बनाएंगे और मिड पॉइंट यहां पर अर्थेड है और यहाँ आप इसके अक्रॉस वोल्टेज जो रहेगा वो VM होगा और यहाँ एक और कनेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी VM होगा। यहाँ आपके टोटल जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आता है हमारा वो होता है 2 VM। ये हम DC 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थेड की बात कर रहे हैं। यहाँ हम एक करंट लेके चलते हैं जो कि है I2। तो यहाँ अब I2 को आप कैलकुलेट करेंगे तो I2 विल बी P/2 VM। यहाँ से आप W निकालने की बात करेंगे तो W दोनों कंडक्टर के अक्रॉस जो I2R लॉस होगा वही इसमें कॉपर लॉस होगा। तो 3 2 I2 2 R, यहाँ 2 × I2 की वैल्यू आपने निकाली है जो कि है आपकी P/2 VM, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू आर आपका रेजिस्टेंस है जो कि आप R2 लेके चल रहे हैं या R भी लेके चल सकते हैं। तो आपका जो यहाँ जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा दोस्तों आपका
पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v² इंटू आर। तो आपका सही आंसर होगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v². नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये डीसी टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थेड के लिए हमने बात करी है, ऐसे बहुत सारे और भी सिस्टम के लिए आप बात कर सकते हैं। डीसी टू वायर सिस्टम में इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो डीसी टू वायर सिस्टम के लिए यदि आप देखेंगे तो इसमें एक आपका ये आपकी कोई मोटर तरीके से लेके चले, यहाँ ये I1 और ये आपका VM वोल्टेज हो गया यहाँ से, ये आपका दूसरा कनेक्टर यहाँ पे, और इसमें भी करंट I1 ही होगी आपकी, और यहाँ आप I1 को कैलकुलेट करेंगे तो होगी P डिवाइडेड बाय VM। और इसके कॉपर लॉस की हम बात करें तो इसमें भी दो कंडक्टर इस्तेमाल करे हैं हमने, और 2I1² इंटू R1। यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो 2P/VM का स्क्वायर इंटू R1। तो इस केस के लिए कि जो होगा वो 2P² डिवाइडेड बाय V² इंटू R, ये आपके डीसी टू वायर सिस्टम के लिए होगा। और जो हमने मिड पॉइंट अर्थेड सिस्टम के लिए हमारा कितना निकल कर आया, P² डिवाइडेड बाय 2V² इंटू R। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के बारे में हमें क्या क्या पता है, ये जो टनल होता है इसमें जो उल्टा के बना रहता है इसको हम कैथोड बोलते हैं, और ये यहाँ पर एनो टर्मिनल होता है। फॉरवर्ड बाइस में आपने सप्लाई इसमें अप्लाई की है प्लस माइनस, तो आपकी फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज के ऊपर जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, कुछ मिनिमम वोल्टेज जो कि सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 होता है, इससे आपका फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ेगा तो ये कंडक्शन ऑन कंडीशन में आ जाएगा, और आपका जो वेरियर लगा होता है उसकी विड्थ हाइट कम होती जाएगी और ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में काम करने लगेगा। यदि आपने रिवर्स यहाँ पर सप्लाई देती हुई माइनस प्लस, तो आपका वेरियर बढ़ता जाता है, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट एक बैरियर इसमें होता है, क्योंकि रिवर्स वाइज में यदि वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो उसकी हाइट बढ़ती जाती है, सॉरी। और चलिए इसके पॉइंट देख लेते हैं। पोटेंशियल वेरियर इज रिड्यूस एट सम फॉरवर्ड वोल्टेज, इट इज एलिमिनेटेड, तो ये सही है। द पोटेंशियल वेरियर इज कॉन्स्टेंट इर रिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो दोस्तों ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है, ये हमारे वोल्टेज के साथ चेंज होता रहता है, तो यही इसमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। अगला है, इन द डिजाइन ऑफ प्रोसेस ऑफ एन अल्टरनेटर इट इज डिजायर दैट द नंबर ऑफ पोल्स फोर बी फोर पोल। दोस्तों आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और जिससे कि मैं आगामी जो और भी पेपर आपके साथ डिस्कस कर सकूं, और आप लोग का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसकी। कोई भी वीडियो जब मैं बनाता हूं तो आपके फ्रेंड सर्किल आपके दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं, और यदि आपके पास कोई प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जिसको कि आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको मेरी मेल आईडी पर आप नोट कर लीजिए, अभी 94 1573@gmail.com पर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं कुछ ही दिनों में उस पेपर को भी आपके सामने रखूंगा और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपने अभी तक नहीं किए होंगे। इस क्वेश्चन इस मेल आईडी पर आप मुझे वो पेपर सेंड कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर फोल्ड आपको गिवन है और आपसे पूछा है कि आप यदि अल्टरनेटर को डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्लॉट कितने नहीं होंगे या डिजायरेबल जो इसमें नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो स्लॉट होते हैं दोस्तों वो इसमें हमारे डबल लेयर बाइंडिंग के अंदर हम उनको इंटीजर रखने की कोशिश करते हैं। यदि इंटीजर है स्लॉट पर पोल पर फेस, स्लॉट पर पोल ये मैं इसमें लिख देता हूँ, स्लॉट पर पोल और परपेस, ये आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी इंटीजर आनी चाहिए, अदरवाइज आपके वो डिजायरेबल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले हर एक केस के लिए इसमें स्लॉट पर पोल पर फेस निकाल कर देख लेते हैं। स्लॉट हमारे दिए हुए हैं 12, पर पोल यानी 4 दिए हुए हैं टोटल पोल, आप ये क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं 4 पोल दिए हुए हैं यहाँ पर, और पर फेस यानी 3 फेस होते हैं तो ये कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 1, यानी
ये तो डिजायरेबल है क्योंकि वन इंटीजर है। दूसरा केस की हम बात करें तो यहाँ 24 गिवन है, पर पोल पर फेस की बात करें तो ये आपका 2 निकल कर आता है, यानी ये भी कोई ऑप्शन पॉसिबल है। तीसरे ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 32 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, ये इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/3, ये इंटीजर आपका नहीं है। तो इस केस को हम ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये डिजायरेबल नहीं है, 32 स्लॉट उसमें नहीं होना चाहिए। 48 के लिए हम बात करें तो 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, तो ये तो देखो डिजायरेबल है, ये भी इंटीजर है, तो आपका कौन सा केस पॉसिबल नहीं है, तो ये 32 पॉसिबल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम, बाइनरी इक्विवेलेंट आपको सिस्टम पूछा है इस डेसिमल के लिए। तो इस डेसिमल के लिए आपको बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा गया है और उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम आपको देखने चाहिए। नंबर सिस्टम आपके जो होते हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है बाइनरी, उसके बाद आप देखते हैं ऑक्टल सिस्टम भी होता है, एक आपका डेसिमल सिस्टम भी होता है और एक आपका हेक्साडेसिमल भी होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है। बाइनरी के लिए बेस कितना होता है, 2 होता है, ऑक्टल के लिए 8 होता है और डेसिमल के लिए 10 होता है। अब इसमें जो हम मैक्सिमम डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम हमारा जो नंबर जाता है वो 15 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, ये सब डिजिट इस्तेमाल होते हैं। और 10 को दोस्तों, 10 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ए बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, 11 को हम इसमें बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं और 14 को ई बोलते हैं और 15 को एफ बोलते हैं, यानी एफ यानी एफ तक ये मैक्सिमम डिजिट इसमें इस्तेमाल होता है हेक्साडेसिमल। तो इसका मैक्सिमम डिजिट जो इस्तेमाल होगा वो एफ होगा। डेसिमल में मैक्सिमम डिजिट इस्तेमाल जो होता है वो 9 होता है और ऑक्टल में 7 डिजिट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइनरी में बंधक होता है। ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन LMRC में पहले पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट के फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि नंबर सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम डिजिट इस्तेमाल होता है वो उसके बेस से एक कम होता है, यानी मैक्सिमम डिजिट जो इसमें इस्तेमाल होता है वो उसके बेस से एक कम होता है। तो जैसे आपने हेक्साडेसिमल के लिए देखा इसका बेस कितना है, 16-1 यानी 15, इसमें मैक्सिमम डिजिट इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा अब हम आते हैं इसके इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए। तो इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको दो तरीके मैं इसमें बताने वाला हूँ। आपको दिया हुआ है 20, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम बाइनरी के बेस में इसको डिविजिबल करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो ये 10 से डिवाइड होगा। यहाँ आपका जो वेस निकल कर आता है वो कितना है, 0 है और सॉरी यहाँ आपका जो बचा हुआ है वो 0 बचा है। इसके बाद आप 5 फिर डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ फिर से आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 2 बार जाएगा इसको, और आपका जो बचा हुआ है यहाँ पर रिमेनिंग 1 बचा हुआ है, फिर से 2 से डिवाइड किया तो ये 1 से, और आपका रिमेनिंग कितना बचा, 0। तो आपका जो अब यहाँ से आप इसको अरेंज कर लीजिए तो आपका आया 10100, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। और इसको हम एक और फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते थे। बाइनरी में जो हमारा पहला नंबर रहता है वो होता है 2 to the power 0, फिर दूसरा होता है 2 to the power 1, 2, 3, 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 8 है और ये आपका नेक्स्ट डिजिट कितना है, ये 16 है। आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए है 20, आपको चाहिए है, ये आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो आपको 20 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 plus 16, तो इनको 1 ले लीजिए क्योंकि इनका समेशन 4 plus 16 आप करेंगे तो 20 की इक्विवेलेंट हो जाएगा, इनको सभी को 0 लेके चलिए आप, तो ये आपका एक तरीके से, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। और भी इसमें दोस्तों बहुत सारे चेंजेस होते हैं क्वेश्चनों में, और एक जैसे आपको एक और केस में बता दे रहा हूं, यहां पर आपको हेक्साडेसिमल का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है,
हेक्सा से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें आप एक क्वेश्चन लेके चलिए, आपको दिया हुआ है 5B5A, ये आपको हेक्सा डेसिमल में गिवन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी या ऑक्टल, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है मान लीजिए। तो इसको आप सबसे पहले B को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, B हमारा जो था वो 11 के इक्वल था, यहां पर 11 के इक्वल था B, और 11 को आप कैसे लिखेंगे, 11 चाहिए आपको, तो 11 कैसे लिखेंगे, 1011, 1011, ऐसा क्यों लिखा हमने, ये 1011 यानी 2 और 1 को लेके चले हैं और 8 को लेके चले हैं, इस वाले डिजिट को हमने 0 रखा है, तो इनका आप समेशन कर लीजिए। तो आप समेशन देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये है आपका 8 + 2 + 1, तो ये 11 के इक्वल होगा। 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 को आप लिख सकते हैं 0101, और 1 को क्या लिख सकते हैं 1010। अब इसमें आप क्या करते हैं, जब ऑक्टल में चेंज करते हैं तो इनको हम तीन तीन के ग्रुप में बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये आप तीन तीन के ग्रुप में इसको डिवाइड कर लीजिए और आप देखेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये 5 के इक्विवेलेंट है, ये आपका 5 के इक्विवेलेंट है, ये वाले जो आपने बनाया 3 का ग्रुप, ये 2, 3 के इक्विवेलेंट है, और ये जो आपका बन निकल कर आया 2 के इक्विवेलेंट है, तो ये आपने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख चुके होंगे कि हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो सबसे पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, बाइनरी में जो 4 के ग्रुप थे उसको आप 3 में बना लीजिए, 3-3 के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और जो इक्विवेलेंट होगा उसके वो ऑक्टल के इक्विवेलेंट होगा, है ना। ऐसे ही यदि आपको मान लीजिए बाइनरी कोई सिस्टम दिया होता, मान लीजिए कोई भी सिस्टम आपको दिया है, यहाँ मैं 1111110, ये आपको बाइनरी दिया होगा, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आपने 3-3 के ग्रुप बनाए और 3-3 के ग्रुप बनाने के बाद इसको लिख दीजिए 1011, तो ये 7 के इक्वल है और ये 6 के इक्वल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नंबर सिस्टम में आते रहते हैं, चाहे तो आप, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी सिस्टम को मैं इंक्लूड कर दूंगा, कैसे हेक्सा टू ऑक्टल जाएंगे, कैसे ऑक्टल टू बाइनरी चले जाएंगे, है ना, और ऑक्टल टू डेसिमल कैसे होगा, डेसिमल टू बाइनरी, ये सभी उसमें मैं समझा दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो हमारा जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल हीटिंग हमारी जो 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, फिर हमारा आर्क हीटिंग होती है, और जो तीसरा जो इसका टाइप्स होता है वो होता है दोस्तों हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग तो रेजिस्टेंस हो गया, और रेजिस्टेंस के बाद जो होता है वो आर्क हीटिंग होगी, और हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग के अंदर 3 पार्ट और आते हैं, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है इंडक्शन, दूसरा जो पार्ट होता है इसमें वो होता है डाई इलेक्ट्रिक, और जो तीसरा जो इसमें पार्ट है वो होता है इंफ्रारेड। तो तीनों टाइप्स हमने देख लिए इसमें, इंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक और इंफ्रारेड। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल हीटिंग में होता क्या है कि हम उसी चार्ज के अंदर, चार्ज हम उस मटेरियल को बोलते हैं जिसको मान लीजिए हमें मेल्ट करना है या उसको हीट करना है, तो उस चार्ज के अंदर ही हम करंट फ्लो कराकर उसमें डायरेक्ट उसमें करंट इंड्यूस कर देते हैं, I² R लॉस से वो गर्म होता है, और इसमें दोस्तों इसकी इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। हमारा जो प्रीवियस सिस्टम हम इस्तेमाल करते थे पुराने टाइम पर, हम कोयले से गर्म करते थे, और कोयले से गर्म करने पर उसका बहुत सारी हीट जो थी वो वेस्ट हो जाती थी, इस कारण इसकी इफिशियंसी डाउन रहती थी, है ना। पर हमारा जो नए आजकल जो हीटिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड पैकेजिंग को भी हम, फूड को भी हम इवन गर्म कर सकते हैं इस हीटिंग के द्वारा, इलेक्ट्रिकल हीटिंग के द्वारा, तो इसमें हमारी जो इफिशियंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो यही कुछ पॉइंट थे। रेजिस्टेंस हीटिंग में भी इसके भी अलग पॉइंट टाइप्स होते हैं, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है ना, ऐसे ही आपके इनके सब पार्ट भी इसमें बहुत सारे डिवाइड होते हैं। तो हमारा जो इसमें सही पॉइंट की हम और बढ़ते हैं, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लू गैसेस,
ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट और ओवर वोल्टेज कैन बी प्रोवाइडेड, तो ये भी हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग में प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई फ्लू गैसेस नहीं निकलती हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी इज पुअर, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इट इज़ फ्री फ्रॉम डर्ट, तो ये भी सही है, इसमें कोई डर्ट नहीं मिलती है। और अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन नेटवर्क इफ द टोटल करंट इज 2.25 एम्पियर। टोटल करंट आपको दिया हुआ है 2.25 एम्पियर, आपसे पूछा है कि आई वन कितना होगा और आई टू कितना होगा, तो I1 और I2 आपसे ये वाली दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, ये आप वोल्टेज को सब टोटल रेजिस्टेंस ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 ओम है ना, और आप इससे करंट निकाल सकते हैं 10/10, आपकी I1 कितना हो जाएगी 1 एम्पियर हो जाएगी। अब 1 एम्पियर इसमें से आपकी करंट फ्लो हो गई है, I1 टोटल करंट जो आपको दिया होगा 2.25, तो इसमें से 1 घटा दीजिए तो वो वाली करंट जो होगी आपकी सेकेंड ब्रांच से जाएगी, तो 2.25 - 1 ये आपका हो जाएगा 1.25 एम्पियर, तो ये दोनों करंट थी। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। तो दोस्तों यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही होंगे। तो द फ्यूल्स आर लाइकली टू बी डिप्लेटेड इन नियर फ्यूचर फोर्सिंग अस टू कन्वर्स देम एंड फाइंड अल्टरनेटिव सोर्स। मेंटेनेंस कॉस्ट आर हाई, टॉक्सिक हजार्डियस फ्यूम एंड रेसिड्यूज पोल्यूट द एनवायरमेंट, ओवरऑल कन्वर्सन इफिशियंसी इज वेरी गुड। तो हमारा जो कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं इनकी इफिशियंसी थोड़ी सी कम होती है, क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें जैसे सोलर एनर्जी को लेके चलते हैं, विंड एनर्जी को लेके चलते हैं, तो इनमें कन्वर्जन में इसके बहुत सारे जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वो लास्ट तक आते आते उसमें बहुत सारा पार्ट इसमें लॉस में चला जाता है, इसकी इफिशियंसी काफ़ी कम होती है। तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, तो यहाँ पर जो हमारा हमसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा इसमें स्टेटमेंट है, तो ये है फोर्थ ऑप्शन, इसमें कि इफिशियंसी इसमें वेरी गुड लिखा है लेकिन इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है एन एमसी इंस्ट्रूमेंट विथ इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम टेक्स 40 एम्पियर टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन, हाउ डू यू कन्वर्ट द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर। तो इसमें रेंज बढ़ाने के लिए आपसे बोला गया है कि आप पहले 40 मिली एम्पियर जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन था उसको आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं 2 एम्पियर के लिए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है दोस्तों आई इक्वल टू 1 प्लस आर एम, आपका जो मीटर का रेजिस्टेंस गिवन है, आर संट, हम इसके संट में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, और ये आपका आई एम है जो कि है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपको दिया हुआ है। तो 1 प्लस आर एम आपका कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, आर संट आपसे पूछा हुआ है, और आई एम फुल स्केल रिफ्लेक्शन 40 मिली एम्पियर आपको दिया हुआ है। यहाँ आपका आई आपको कितने तक इस्तेमाल करना है, तो ये 2 एम्पियर तक, आप इसको आर संट निकाल लीजिए तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो 20408 के इक्वल आती है, जो कि आपके आंसर में गिवन है 4041, तो ये इसका आंसर हो जाएगा संट, क्योंकि हम इसको पैरेलल में लगाते हैं और तभी उसकी रेंज उसमें अमीटर में बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग डिटरमाइन द करंट इन द गिवन सर्किट इफ द सोर्स वोल्टेज इज Vs इक्वल टू 20 cos 1000 t, तो ये आपका Vm cos ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ ओमेगा की वैल्यू आप देख सकते होंगे वो कितनी है, 1000 आपको दी हुई है, ओमेगा आपको गिवन है। अब आपसे पूछा है कि आपकी करंट इस सर्किट में कितनी होगी, तो करंट के लिए आप क्या करेंगे, V/Z करेंगे, Z जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें मैग्नीट्यूड और इसका फेस भी आप लेके चलेंगे, इसमें चूंकि AC सिस्टम है तो यहाँ आप जब Z कैलकुलेट करेंगे तो Z जो होगा वो होगा R² + XL - XC का होल स्क्वायर,
यहाँ आपका आर गिवेन है, आपको कितना दिया हो 30 दिया होगा है, प्लस एक्सएल आपने कैलकुलेट नहीं किया है जो कि होगा ओमेगा एल, ओमेगा आपका दिया हुआ है, एल भी गिवन है 65 इंटू 10 to the power -3, माइनस एक्स सी आपको कितना दिया हुआ है 1/, ओमेगा आपको दिया है 1 इंटू सी आपको कितना दिया हुआ है 40 माइक्रो फैरेड। ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा 30² प्लस 65 माइनस 25 का स्क्वायर वही अंडर रूट के अंदर, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 50 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये आपका जेड निकल कर आ गया, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, जेड का एंगल कितना होगा, तो फाई कैलकुलेट करने के लिए आप इसका टेन इनवर्स माइनस एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर करेंगे। एक्सएल आपको कितना दिया होगा, निकल के आया है आपका 65 और ये एक्ससी निकल कर आ गया है डिवाइडेड बाय आर, आर आपका कितना था 30 है, तो ये आपका जो फाई निकल कर आएगा वो होगा टेन इनवर्स 4/3, ये आपका यहाँ से फाई निकल कर आ गया। तो फाइनल आपका जो वी वाई जेड हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे तो उसको अप्लाई करेंगे तो आपका, चूंकि इसमें तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की आवश्यकता भी नहीं है, तीनों में चारों में मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैलकुलेट किया था हमने वो कितना था 10 inverse 4/3 डिवाइडेड बाय इसका जो जेट का इम्पिडेंस कितना आया था हमारा 15 आया था, तो इसको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 0.24 cos 1000 t + 15 माइनस 10 inverse 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और 18 क्वेश्चन है हमारा, एक कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन कंज्यूम अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ पावर फॉर सप्लाइंग टू ऑक्सिलरीज। तो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में यहाँ ऑक्सिलरीज इस्तेमाल होती हैं बहुत सारी और जिसकी वजह से इसका स्टार्टिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इन ऑक्सिलरीज को चालू करने और बंद करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और इनमें बहुत सारा पावर कंज्यूम भी होता है, तो ये लगभग 10% इसमें पावर कंजप्शन होता है उसकी ऑक्सिलरीज को चलाने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा 10%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हैज नो लोड वोल्टेज ऑफ 127, आरए आपको दिया हुआ है 0.02, आरएस संट जो दिया हुआ है रेजिस्टेंस वो 15 ओम दिया हुआ है, फाइंड द आर्मेचर करंट व्हेन द जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज इज 1.20 वोल्ट ऑन द लोड। तो आपका ये आपकी यहाँ से हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, ये आपकी यहाँ पर आर्मेचर है और ये आपकी सप्लाई यहाँ पर आपने दी हुई है, सॉरी ये जनरेटर है जो कि इसके टर्मिनल एंड पर फाइंड द आर्मेचर करंट, जबकि हमें जो वोल्टेज दिए हुए हैं नो लोड पर कितना दिया हुआ है 127, यानी यहाँ पर ई वी जो वोल्टेज दिया हुआ है ये 127 दिया हुआ है, ये आर ए है आपका, आर ए कितना दिया हुआ है 0.02, और ये आपका जो वोल्टेज बोला है इन्होंने कि जनरेटर के टर्मिनल पर वोल्टेज, तो टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है वो इस तरीके से दिखाएंगे और ये होगा इसमें 120। अब यहाँ से आपको आर्मेचर करंट यहाँ पर निकालनी है, तो ये आर्मेचर जो करंट होगी यहाँ पर आई ए, ये तो आपकी लोड करंट हो जाएगी पूरी, और आई ए के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये होगा 127 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 0.02 ई वी माइनस वी टी अपॉन आर ए, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 350 एम्पियर। तो यहाँ नो लोड वोल्टेज जो दिया है वो दोस्तों इसके आर्मेचर के अक्रॉस दिया हुआ है और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस दिया हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा वोल्टेज इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर स्ट्रिप, कोई एक स्ट्रिप दी हुई है जो कि 1 किलोमीटर लंबी है और उसकी जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है वो 2.5 सेंटीमीटर और 0.05 सेंटीमीटर गिवन है, रो दिया है आपको, अब आपको इसमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ आप सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए और यहाँ पर किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तभी आपका आंसर 1.4 ओम आएगा। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए कंडक्टर विथ लेंथ एल विच मूव बाय डिस्टेंस डी एक्स इन द टाइम डी टी इफ द कंपोनेंट ऑफ द डिस्टेंस मूव एट ए राइट एंगल टू द
फील डेंसिटी वी इज डी एक्स साइन थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा यदि कंडक्टर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, तो उसके लिए जो उसमें इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू जो होता है वी एल वी साइन थीटा होता है। पहले भी इसको कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और वी एल वी जो वोल्टेज है हमारा उसको हम डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं इंटू साइन थीटा। तो ये इसी फॉर्म में आपको ये आंसर गिवन था, तो इसका सही आंसर होगा वी एल डी एक्स बाई डी टी इंटू साइन थीटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए स्टेटर ऑफ ए स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर हैज ए टू वाइंडिंग द मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, हाउ दिस वाइंडिंग डिस्प्लेस इन स्पेस बाय द इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो ये दोस्तों आप सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को आप देखते हैं कि इसमें स्प्लिट फेस इंडक्शन स्टार्टिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं हम, और इसके लिए आप इसमें कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है ना, और बहुत सारी मेथड आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो बाइंडिंग होती है, एक तो होती है मेन बाइंडिंग, ये मेन बाइंडिंग रहती है, और एक और ऑक्सिलरीज बाइंडिंग हम इस्तेमाल करते हैं, ये स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और इसमें कभी हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, कभी सिंपल रेजिस्टेंस स्प्लिट मेथड भी इस्तेमाल करते हैं है ना, जो आर्नो कन्वर्टर के भी अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ हमने आपने कैपेसिटर इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये दो बाइंडिंग आप ऑक्सिलरी और मेन बाइंडिंग इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों जो स्प्लिट रहती हैं ये स्पेस में 90 डिग्री पर इनको रखा जाता है, तब इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दोस्तों हर एक केस के लिए यदि हम देखें, तो जैसे आपका इंडक्शन मोटर के केस में आप देख लीजिए, वहाँ पर आप तीन वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं और तीनों 120 डिग्री स्पेस में बैलेंस रहती हैं, जिसके कारण उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। आप सोचते होंगे ट्रांसफार्मर में वहाँ पर दो वाइंडिंग है, वहाँ क्यों जनरेट नहीं होती है? तो उनका जो स्पेस एंगल है दोस्तों वो 180 डिग्री पर रहता है, जिसके कारण वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ भी देखने को नहीं मिलती है। और आर्नो कन्वर्टर दोस्तों एक यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, आर्नो कन्वर्टर हम सिंगल फेज टू थ्री फेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आर्नो कन्वर्टर का जो प्रिंसिपल होता है वो भी स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर के जैसे ही होता है। इसमें हम सिंगल फेज से थ्री फेज बाइंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं, और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है आर्नो कन्वर्टर का थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें स्टेटर पर हम एक तीसरी बाइंडिंग या जिसे हम जनरेटर फेज बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट, और अगला क्वेश्चन हम बढ़ जाते हैं। पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट और इंस्टॉलेशन इज डिफाइंड एज, तो पावर फैक्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, वी आई कॉस फाई, इस फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं या इसे हम एक्टिव पावर भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय एपेरेंट पावर या वी आई, या इसे हम एपेरेंट पावर भी बोल सकते हैं। तो इसका रेशियो जो होता है वो पावर फैक्टर होता है, यही हमारे ऑप्शन में दिया हुआ था कि द रेशियो पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इन डब्ल्यू टू द टोटल पावर कॉम्प्लेक्स इन द सर्किट इन वी ए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द ओमीटर वैल्यू इन द गिवन नेटवर्क आर इक्वल टू 16 ओम, तो आपसे इस ओमीटर के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा इन दो पॉइंट के बीच, वही इसका ओमीटर का रेजिस्टेंस इसमें शो करेगा। तो ओमीटर में कितना शो करेगा, तो वो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है, तो ये कितना हो गया आपका 4 प्लस आर, आर आपका 16 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 और ये 20 आपका पैरेलल में है, तो आपका 10 ओम हो जाएगा टोटल। उसके बाद ये 2 सीरीज में भी है, तो प्लस 2 इक्वल टू आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 ओम। इन द केस ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन फेस इंडक्शन मोटर टू कैपेसिटर आर यूज्ड, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर में आप देखते होंगे कि दो हम कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकी जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से अरेंज होती है। तो एक तो आपका परमानेंटली एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जिसे हम परमानेंट कैपेसिटर भी बोलते हैं, और एक केवल जो कैपेसिटर इस्तेमाल होता है वो स्टार्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो इसको हम सी एस बोल देते हैं, इसे हम सी सी बोल देते हैं। यहाँ पर आपका एक स्विच लगा होता है जो स्टार्टिंग में ही इस्तेमाल होता है, और जैसे ही वो स्पीड पिकअप कर लेता है उसके बाद इसको स्विच को अलग कर देते हैं। तो इनकी वैल्यू के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसकी और इसकी वैल्यू जो होगी वो किस रेशियो में रहती है।
तो नॉर्मली हमारे जो इंडक्शन मोटर इस्तेमाल करते हैं हम सिंगल फेज की, इसमें क्या होता है दोस्तों कि स्टार्टिंग कंडीशन में करंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, करंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है यानी एक्स इक्वल टू 1/ωC। यहाँ पर ओमेगा सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है स्टार्टिंग कंडीशन में, और वहाँ उसके लिए हमें सी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, तो स्टार्टिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वहीं यदि हम रनिंग की बात करें तो रनिंग कंडीशन में हमारा करंट कम होता है, और करंट कम होने के कारण हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी इससे एक्सी ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा के लिए हमारा जो ओमेगा सॉरी सी है जो रनिंग कंडीशन के लिए वो कम होना चाहिए। तो जो परमानेंट कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं वो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये किस रेशियो में होती है, तो जो सी सी इक्वल टू होता है या लेस देन होता है 1/5 ऑफ सी एस, स्टार्टिंग कैपेसिटर के 1/5 हिस्सा या उससे कम इसकी वैल्यू होनी चाहिए। और एक और यहाँ पर क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा जाता है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर किस टाइप का होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का होता है, और ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। और परमानेंट जो कैपेसिटर होता है वो हमारा पेपर कैपेसिटर होता है, और ऐसा हम इस्तेमाल क्यों करते हैं कि दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होते हैं ये इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और स्टार्टिंग में हमें हाई कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है। और एक और इनका डिसएडवांटेज होता है कि ये लॉन्ग टर्म तक कनेक्टेड नहीं रह सकते सिस्टम में, है ना, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइटिक हम शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर के जैसे, और रनिंग कैपेसिटर के लिए हम पेपर कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑयल का भी, ऑयल फील्ड जो कैपेसिटर आते हैं उनका भी इस्तेमाल होता है कई जगह। तो ये चूंकि इनकी वैल्यू कम होती है और ये लंबे टाइम तक सर्किट में जुड़े हुए रह सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, लगभग हमने 25 क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए। आपका आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और आपके दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मेरी मेल आईडी अभी 9415730@gmail.com पर आपके पास जो कोई भी पेपर हो या जो भी पेपर आप डिस्कस करना चाहते हैं उस पेपर को सेंड कर दीजिए, और कुछ ही दिनों बाद उस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।